हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं था और तीन आदमी मुझे घूर रहे थे जैसे कुछ भी। मैंने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वहां समझ गए थे कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हनुमान जी को मात्र याद करने भर से हर बला हर मुसीबत टल जाती है। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। कुछ दिन पहले मैं और मेरे पति एक लंबी सड़क यात्रा से वापस आ रहे थे। उनके लिए 900 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करना एक सामान्य बात है और हमारी कार कभी भी यात्रा के बीच में खराब नहीं होती। लेकिन उस दिन रात के करीब 11 बजे अचानक हाईवे के एक पेट्रोल पंप पर कार रुक गई और बिजली भी चली गई। मैं बहुत डर गई थी तब, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और कार सेल्फ स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। किसी भी तरह से हमें पास में कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था और कोई टोल फ्री नंबर भी नहीं मददगार थे। हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं था और तीन आदमी मुझे घूर रहे थे जैसे कुछ भी। मैंने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वहां समझ गए थे कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है और किसी भी तरह से कार शुरू करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा अगले दिन सुबह सुबह पति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में भी जाना था, इसलिए घर तो किसी भी हाल में पहुंचना ही था। तो वहां मैंने अचानक हनुमान चालीसा मंत्र मुक्त करना शुरू कर दिया। कई बार उनसे प्रार्थना की कि हमें सकुशल घर पहुंचा दे। कुछ मिनटों के बाद मैंने देखा कि एक दूध वितरण वैन पेट्रोल पंप में खड़ी हुई। तब मैंने पति से कहा कि क्यों ना हम पास के गांव में वैन में किसी मैकेनिक की मदद लेने के लिए जाएं। लेकिन वहां हमें अपने साथ वैन के अंदर ले जाने के लिए तैयार नहीं था और न ही हमें अकेला भी छोड़ने के लिए तैयार था। कुछ चर्चा के बाद पति ने वापस उस वैन का दरवाजा खटखटाया और तब संयोग से बात में बात निकलते हुए पता चला कि वहां आदमी एक वक्त पार्ट टाइम मैकेनिक रह चुका है। उसने कार में कुछ किया और किसी तरह हम धीरे धीरे और सुरक्षित घर पहुंच गए। उस दिन हनुमान जी पर मेरा भरोसा और भी बहुत बढ़ गया। यहाँ संयोग हो सकता है, लेकिन जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ भगवान मेरी मदद जरूर करते हैं। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी। सच्चे दिल से मांगे जो मांगना है और विश्वास करें कि जो आपने मांगा है वो सही है। तो अब आप तैयार हो जाए, अब आप खुली आंखों से जादू होते हुए देखेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री।